मिट्टी की जांच करा लो, 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 मेरी सुनो सभी नर नारी, मिट्टी की जांच करा लो। मिट्टी की जांच करा लो, मिट्टी की जांच करा लो, मिट्टी की जांच करा लो। भारत सरकार द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत हर गांव से मृदा नमूने एकत्रित किए जा रहे, हर किले के नमूने इकट्ठे किए जा रहे और उसको एकत्रित करने के बाद हर खेत स्वस्थ खेत स्कीम के तहत जो नमूने एकत्रित किए जा रहे हैं उनको विश्लेषण कर विश्लेषण रिपोर्ट या सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं, जिसमें जब हम आपको वो कार्ड देंगे तो वो कार्ड इस तरह का होगा जिसके अंदर जिस साइड में आपको एक सर्च तो आपका नाम, पिताजी का नाम, गांव, ब्लॉक, किला नंबर, मोबाइल, परिवार पहचान पत्र और अपने प्रयोगशाला क्रमांक दर्शित है। जब आप उसको पलटेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा खेत तथा नमूने की जानकारी, जिसके अंदर नमूने संख्या, चोक संख्या, ये वो संख्या है जो हम पोर्टल पे दर्ज करेंगे। उसके बाद आपके खेत का मुरब्बा नंबर, किला नंबर, उसके जीपीएस लोकेशन और विश्लेषण की तिथि दर्ज करेंगे। शुरुआत होती है जिनका हम विश्लेषण करते हैं, सबसे पहले है खारी अंक। खारी अंक इसमें बाकायदा आपको दर्शाया गया है कि खारी अंक की वैल्यू जो है वो 6.5 से 8.5 तक होनी चाहिए। अगर वो 6.5 से कम है तो इसका मतलब आपका जो खेत है वो अम्लीय है, और 8.5 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय है। तो उसके बाद उसकी स्थिति के बारे में लिखा होगा शुद्ध हिंदी में कि वो क्षारीय है या नहीं है या अम्लीय है, कैसी है वो जमीन आपकी, उसके बारे में डिटेल से लिखा होगा इसके अंदर। फिर आया विद्युत चालकता, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। इसकी वैल्यू आपकी जमीन की 0.0 से लेकर के 1.0 तक होना चाहिए। देसी भाषा में हम कहें तो नमक की मात्रा, आपके खेत में नमक कम है या ज्यादा है, ये इससे आपकी जानकारी मिल जाएगी। अगर वो सामान्य है तो सामान्य लिखा होगा, अधिक है तो अधिक लिखा होगा। उसके बाद आएगा ऑर्गेनिक कार्बन, जो कि वैल्यू 0.51 से लेकर के 0.75 तक होनी चाहिए, जो कि अधिकतर खेतों में बहुत कम पाई जा रही है। जो ऑर्गेनिक कार्बन हमारी कूड़ी की खाद, जीवित कार्बन जिसे हम बोल देते हैं, कूड़ी की खाद और पत्ते की खाद, अन्य चीज़ों से ये बढ़ती है। आज के समय में ये चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल होती है। उसके बाद आता है फास्फोरस, फास्फोरस जो कि हमारा 23 से 57 तक होना चाहिए। 23 है तो कम है और 57 है या इससे अधिक है तो ये प्रचुर मात्रा में बताता है। उसके बाद पोटाशियम जो कि 145 से 337 जो रेंज है इस बीच में होता है, जबकि 337 से ऊपर है तो ये प्रचुर मात्रा में है और 145 से उससे कम है तो ये कम है। तो इसके बारे में सल्फर, जिंक, जिंक जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये हम अधिक और कम की भाषा में दर्ज करते हैं। जिंक जो है 0.6 से अधिक है तो प्रचुर है और 0.6 से कम है तो कम मात्रा में है। फिर लोहा है जिसे हम आयरन कहते हैं, 4.5 से अधिक है तो वो प्रचुर मात्रा में है, 4.5 से कम है तो वो कम मात्रा में है। फिर है आता आपका मैंगनीज, कॉपर, जो कॉपर है वो 0.2 से अधिक है तो प्रचुर मात्रा में है, 0.2 से कम है तो वो कम मात्रा में है। मैंगनीज जो है वो 2 होना चाहिए, 2 से अधिक होगा तो प्रचुर मात्रा में है, 2 से कम है तो ये कम मात्रा में है। इन सभी चीज़ों की जिनकी हम टेस्टिंग करते हैं
ये शुद्ध हिंदी भाषा में कम अधिक मध्यम या सामान्य इस भाषा में इसमें अंकित मिलेगा और उस आधार पर जिस आधार पर ये आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रो में आपका जाता है यूरिया या ऑर्गेनिक कार्बन फास्फोरस पोटास ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हम अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि जिंक आयरन मैंगनीज सल्फर ये सब चीजें हम बहुत कम मात्रा में पौधा लेता है और कम मात्रा में ही हम खेत में इस्तेमाल करते हैं। इस आधार पर आपको किस फसल में कितना खाद देना है उस खेत के अंदर ये सब चीजें हम अगले पेज पर दर्ज आप देखेंगे फर्टिलाइजर की मात्रा खाद की मात्रा में दर्ज कर देते हैं। हम इसमें 6 फसलों का देते हैं गेहूं धान गन्ना बाजरा सरसों कपास। इसमें हर चीज बिल्कुल साफ तौर से लिखा हुआ है कि अगर आप मान लिया अब सरसों बोना चाहते हैं तो उसमें डीएपी कितना डलेगा, अगर डीएपी नहीं मिल रहा बाजार में तो उस में सिंगल सुपरफास्फेट मिलता है तो वो कितना डलेगा, उस कंडीशन में अगर आपने डीएपी इस्तेमाल किया है तो यूरिया कितना डालना है, पूरी फसल में जो यूरिया डलेगा वो इसमें अंकित होगा। अगर आप इससे ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आप पैसे की बर्बादी करेंगे और उससे फसल का नुकसान भी हो सकता है और थोड़ा कम डालेंगे तो फसल की पैदावार पे थोड़ा असर पड़ेगा और इतनी मात्रा में डालेंगे तो मैक्सिमम आपकी पैदावार आएगी और मिनिमम लागत से आएगी। जब आप इस पेज को पलटेंगे तो उसमें आपका सूक्ष्म तत्वों की जानकारी मिलती है जो कि जिंक आयरन मैंगनीज सल्फर ये चीजें आती है। जिंक आयरन मैंगनीज बोरोन कॉपर ये सूक्ष्म तत्वों में आता है तो अगर इनमें कोई कमी है तो वो कितनी डालनी है पर खेत में पर एकड़ में वो यहां आपको पीछे की साइड में दर्ज मिलेगा। तो ये जो जिंक आयरन मैंगनीज कॉपर है वो खेत की जुताई के समय पर उसको खेत में डाल दें जिससे उसकी जो आपकी जो कमी है वो पूरी की जा सके। इस तरह से इसको आप पढ़ सकते हैं, सारी जानकारी इसमें आपके पास मौजूद मिलेगी कि किस फसल में कितना खाद डालना है, संतुलित खाद के आधार पर आपको पूरा का पूरा विवरण इसमें दिया जाएगा। फसल होवे अपे रमे पार मृदा स्वास्थ्य कार्ड से फसल होवे अपे रमे पार।